नमस्कार कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में लेके एक से लेके पंद्रह सितंबर तक का करंट अफेयर्स जो है उसका प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको करा दूंगा करके तो उसी कड़ी में एक से पंद्रह सेप्टेम्बर दो का जो वीडियो है उसको मैं लेकर आ चुका हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर देना चाहता हूँ मैं कुछ समय से मेरा जो वीडियो है ना बिल्कुल शेड्यूल में नहीं आ रहा है तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मेरा वीडियो जो है ना आपको संडे मिलेगा हर संडे कितने बजे तो मान के चलिए सुबह दस बजे तो संडे सुबह दस बजे जो है आपको वीडियो करंट अफेयर्स का छत्तीसगढ़ का वो मिल जाने वाला है क्लियर है इस सैटरडे को ऑफिस में थोड़ा सा एक ठोक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया तो ऑफिस में क्या हुआ था पूरे एरिया में हो गया था ठीक है जिसके कारण शनिवार का जो दिन था लाइट थी ही नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो शनिवार को कर रिकॉर्ड करूंगा तभी तो संडे जो है उसको मैं पब्लिक कर पाऊंगा इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लेट मैं बना रहा हूं एक दिन लेट हो गया है बट अगले बार से बिल्कुल एकदम वादा है कि प्रॉपरली मैं क्या करने वाला हूं तो मैं संडे के दिन वीडियो जो है उसको बना लेने वाला हूँ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अपन क्या करते हैं तो बिना टाइम को वेस्ट करें सीधा अपन क्या खाली स्लाइड पर आ जाते हैं अब खाली स्लाइड की अगर अपन बात करें तो खाली स्लाइड में हमको क्या दिखने वाले हैं भाई तो हमको दिखने वाले हैं एक साहित्यकार तो भगवान विष्णु को जानते हैं ना अपन तो भगवान विष्णु जो है ना इनके दो अवतार एक कौन राम जी और दूसरे कौन गोपाल मतलब कृष्ण जी क्लियर है तो विष्णु जी के दो अवतार एक कौन राम जी दूसरे कौन गोपाल जी ठीक है भाई अब आगे बताता हूं आपको तो सबसे पहले समझिएगा जो गोपाल जी हैं इनके एक खूब बड़े भक्त थे और इनके जो भक्त थे उनका नाम क्या था सुदामा इतने बड़े थे कि वो भगवान को खुश करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करते थे भगवान को खुश करने, करने के लिए नहीं करते अश्वमेघ यज्ञ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक्स में क्लियर ठीक तो हमने क्या देखा भगवान विष्णु के दो अवतार राम गोपाल गोपाल जी मतलब कृष्ण जी के खूब बड़े भक्त सुदामा जी जो क्या करते हैं अश्वमेघ यज्ञ तो सबसे पहले अपन अब डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो साहित्यकार हैं वो है गोपाल मिश्र इनका पूरा नाम गोपाल चंद्र मिश्र इनकी एक रचना जो है वो क्या है राम प्रताप क्या है राम प्रताप राम प्रताप की रचना पूर्ण होने से पहले कंप्लीट होने से पहले गोपाल चंद्र मिश्र या गोपाल मिश्र जी इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जो बेटे थे माखन मिश्र ये इसे कंप्लीट करते हैं किसे राम प्रताप को एक और बात बता दूं ये जो गोपाल मिश्र थे ये कलचुरी शासक राज सिंह के क्या थे दरबारी कवि या कोर्ट पोएट है और ये गोपाल मिश्र ही थे जिन्होंने शब्द छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल सेंस में मतलब कह लो राजनीतिक स्वरूप में पहली बार अपनी रचना खूब तमाशा में क्या किया था इस्तेमाल किया था यूज़ किया था क्लियर है अब इनकी रचनाओं में आगे देखते हैं तो एक तो राम प्रताप है खूब से दूसरा आप समझिए होंगे क्या खूब तमाशा भक्त से तो है भक्ति चिंतामणि सुदामा से है सुदामा चरित्र और अश्वमेघ से है जैमिनी क्लियर है तो फटाक से क्या कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा विष्णु जी के दो राम और गोपाल जी गोपाल जी के खूब भक्त सुदामा जी और सुदामा जी की करते में भगवान को खुश करने के लिए तो कवि जो हैं या कहूं साहित्यकार गोपाल चंद्र मिश्र क्लियर है ये ठीक है बात अब उनकी एक रचना राम प्रताप फिर मैंने क्या बताया गोपाल मिश्र बेसिकली राम प्रताप लिखते हुए इनकी डेथ हो गई तो माखन मिश्र जो कि गोपाल मिश्र के पुत्र थे बेटे थे उन्होंने क्या किया इसको कंप्लीट किया और गोपाल मिश्र राज सिंह जो कल्चुरी शासक थे उसके क्या थे दरबारी कवि कोर्ट पोयट और उन्होंने क्या किया लिखा खूब तमाशा जिसमें छत्तीसगढ़ जो शब्द है इसका पॉलिटिकल सेंस में राजनैतिक स्वरूप में पहली बार इस्तेमाल किया आगे की रचनाएं खूब से खूब तमाशा भक्त से भक्ति चिंतामणि सुदामा से सुदामा चरित्र अश्वमेघ से जमिनी अश्वमेघ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसे देख लेते हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के वर्तमान भाजपा अध्यक्ष कौन है तो श्री अरुण साव जी ठीक है नेक्स्ट सात अगस्त 2022 दिल्ली में आयोजित नीति आयोग जो है उसकी शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की सेवेंथ बैठक थी उसमें कौन सी छत्तीसगढ़ की योजना जो है उसकी तारीफ हुई थी प्रशंसा हुई थी गोधन न्याय योजना लास्ट वीडियो में देखे थे अगला क्या है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज का लोकार्पण कब किया तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया ये भी देख लिए थे अपन नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक दुर्ग में सेक्टर नाइन हॉस्पिटल याद करिए देखे थे अपन फाइनली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जंगल रंबल का आयोजन कहाँ पर हुआ था रायपुर का जो इंडोर स्टेडियम बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम वहीं पर हुआ था चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अपन क्या करते हैं तो सीधा एक से पंद्रह तारीख तक के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनमें सीधा नज़र डालना चालू करते हैं छत्तीसगढ़ कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में निरंतर बना सिरमौर अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ना ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है मैंने बहुत सारे लोगों से बात की बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर देखा तो बड़े अलग अलग प्रकार के उनके व्यूज हैं व्यूज जो भी हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहली बात तो ना छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पेपर नंबर पांच या छत्तीसगढ़ में ऐसे अगर आए कोई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इवन कोई ऐसा ऐसे आ जाए जैसे एक बार नरवा गरवा घुरवा बारी इसके ऊपर क्या आया था ऐसे तो उसमें ज़रूर ये फैक्ट आप डाल सकते हैं चूँकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है तो बेरोजगारी दर जो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली है सोर्स चाहे जो भी हो क्लियर है तो पहले ही मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दिया है पेपर नंबर पाँच में चाहे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी योजना की बढ़ाई करनी है है तो आप सीधा डाल सकते हो कि ये जो योजना है छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है ठीक और सोर्स भी डाल सकते हो तो आपका आंसर जो है उसमें वेटेज जा आ जाएगा सेकेंडली ऐसे आ जाए अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ की तो भी ये यूज होगा और लास्ट मैंने क्या बताया अगर कोई पर्टिकुलर योजना है उसके बारे में अगर कोई ऐसे भी आ जाए जैसे कि आया था नरवा गरवा गुरुवा बारी के बारे में ऐसे तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं इन्फैक्ट को डाल सकते हैं क्लियर तो ये तो सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया इंपॉर्टेंट प्री में अगर आप सोचेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है अगर ऐसा डायरेक्टली आए तो इसका चांसेस मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है क्लियर है क्योंकि हम लोग मंथवाइज देख रहे हैं ठीक चलिए अब न्यूज़ पर आते हैं बेसिकली अगस्त का जो महीना था अगस्त 2022 तो छत्तीसगढ़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है बेरोजगारी की दर है ये कितनी है तो 0.4 परसेंट थी अगस्त 2022 की बात करें क्लियर है ये और देश में कितनी तो 8.3 तो ये तो बहुत अच्छा बात है ना देश में जितना है उससे भी कम छत्तीसगढ़ है क्लियर है अब थोड़ा सा समझते जाना बेसिकली एक संस्था है सी -E, जो कि क्या है फुल फॉर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये ना एक प्राइवेट संस्था है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई बेस्ड है अब ये जो सी एम आई ई है बेसिकली ये क्या करती है तो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का जो डेटा है उसे ये फॉर्म करती है बनाती है और दिखाती है भाई अपने मन से थोड़ी बना देगी कुछ उसका सोर्स रहा होगा क्लियर है अब उसके हिसाब से क्या किया गया ये जब डेटा आता है तो हमें अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का ट्रेंड पता चलता है कि क्या ट्रेंड है कैसा है और इस ट्रेंड के आधार पर सरकार क्या कर सकती है आगे फिर कुछ नए निर्णय जो है सरकार उसे ले सकती है ये बात समझ में आई कि नहीं आई क्लियर है ये तो ये जब डेटा आया तो इतना कम था तो बेसिकली ये कहा गया कि डेटा इतना कम जो है उसके पीछे का रीज़न क्या है तो रीज़न ये है कि पिछले साढ़े तीन साल को अगर हम देखते हैं तो शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अर्बन और रूरल इकोनॉमी है उसे क्या किया गया है काफ़ी संतुलित अब बेसिकली इस बात पे तो बिल्कुल हम लोग को अग्री करना ही चाहिए कि अर्थव्यवस्था के अगर अपन ट्रेंड को देखें अभी तक छत्तीसगढ़ में तो जो अर्बन और यहाँ पे रूरल लिख लेता हूँ जनसंख्या कितनी है तो यहाँ पर है सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स अप्रॉक्सीमेटली और ये लगभग ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फोर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या प्रतिशत के रूप में ज़्यादा है तो कुल भी ज़्यादा ही होगी और शहरों में कम है ये तो सेंसिस 2011 का डेटा है मुझे नहीं लगता कि इससे आप डिसी कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ बहुत कम था क्यों क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक क्या हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे थे कृषि सौ माया ना ही कृषि से संबंधित या जो संबद्ध या जो अलाइड सेक्टर्स हैं जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है समझ में आया इन सभी सेक्टर्स का विशेष रूप से हम लोग कोई योगदान कृषि में बहुत बड़ा योगदान नहीं देख रहे थे तो कृषि जो सेक्टर है इसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसमें क्या था कम अभी भी कुछ विशेष नहीं बढ़ गया है लेकिन और कम था अब जो सरकार की नई योजनाएं आ रही हैं, उसमें क्या किया जा रहा है जो कृषि क्षेत्र है उसे बढ़ावा मिल रहा है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको एक योजना का नाम योजना क्या है तो है किसान न्याय अब किसान न्याय जो है ठीक है ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना अगर सामान्य रूप से इसके उद्देश्य की बात करोगे तो उद्देश्य क्या है किसानों को पैसा मिलना नहीं उद्देश्य को समझने की कोशिश करिए उद्देश्य है कि जो इनपुट सब्सिडी अगर हम फसल बो रहे हैं जो नौ हजार रुपए प्रति एकड़ है इसके माध्यम से क्या हो तो जो किसान है उनकी आय बढ़े तो जब किसान की आय बढ़ेगी तो किसान क्या करेगा और क्षेत्रों में फसल लगाना चाहेगा तो जो फसल का क्षेत्र है उसमें वृद्धि हो किसान क्या चाहेगा कि फसल फसल जो है सफल लिख दिया हूं। फसल का क्षेत्र के साथ क्या बढ़े उत्पादन उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा बेच सकेंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे करके अब किसान को जब इनपुट सब्सिडी मिल रही है तो किसान जो इनपुट कॉस्ट है किसमें कृषि में उसे भी बढ़ाएगा और ज्यादा क्या कर सकेगा इन्वेस्ट कर सकेगा इन सभी के चलते होगा क्या जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसका छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान जो है वो बढ़ जाएगा समझ में आया तो बेसिकली ऐसी योजनाएं हैं जो कि क्या कर रही हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त और कहना चाहिए एक तरीके से एम पावर कर रही है समझ में आया तो इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो सुधार हो रहा है इसमें और शहरी अर्थव्यवस्था तो पहले से अच्छी थी ग्रामीण में सुधार हो रहा है तो धीरे 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 क्या होंगे दोनों एक संतुलन बना रहे हैं आपस में समझ में आया कि नहीं आया तो दोनों क्या कर रहे हैं धीरे से संतुलन बना रहे हैं पहले दोनों के बीच में क्या था बहुत बड़ा डिस्पैरिटी था डिस्पैरिटी मतलब एक तरीके से कह लो बहुत बड़ा गैप था हमारी जो शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे थी तो ग्रामीण यहाँ पर थी अभी शहरी यहाँ पर है तो ग्रामीण यहाँ पर आ चुकी है तो ये सब सरकार का कहना है अभी मेरे को तुम लोग ये मत सोचने वाला सोचने लगना कि मैं फलाना पार्टी का हूँ ढिकाना पार्टी का हूँ मैं पार्टी वार्टी कहीं का नहीं हूँ मैं आपका हूँ ठीक है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको नंबर कैसे ज़्यादा मिलेगा समझ में आया तो वर्तमान परिस्थितियों में या तो आप रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ कर लो कि ऐसा है वैसा है फलाना है ढिकाना है या तो इसके डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करो ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में क्या कर सको ज़्यादा अच्छे नंबर और बेहतर नंबर लेकर आ सको तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो प्री में भी इम्पॉर्टेंस हो सकता है इसका और मेन्स में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई मेन्थ्स में आप समझो कि कितना सारा चीज़ है ये जो डेटा है वो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्लियर चलिए अब सी जो है उसने अगस्त में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बाकी राज्यों में भी जो बेरोज़गारी की दर थी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था ना उसे बताया बिहार में बोला 12.8 है गोवा में 13.7 है गुजरात में 2.6 है हरियाणा में 37.3 है देखिए कितना ज़्यादा है भाई मतलब एक तिहाई जनसंख्या उसके बाद फिर हिमाचल जो है सेवन पॉइंट थ्री है जम्मू कश्मीर में थर्टी टू पॉइंट एट वन सेगेन बहुत ज़्यादा है कर्नाटक में थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है मध्य प्रदेश में कितना है टू पॉइंट सिक्स तो ये जो है ना ये वाला डेटा उतना याद रखने की जरूरत नहीं हमको अपना याद रखना है हमको भारत का याद रखना है हमको ये याद रखना है कि हमारा जो कम हुआ है उसके पीछे कारण क्या है तो रीज़न तो कारण मैं बता चुका हूँ कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है तो ऐसी योजनाएँ क्लियर जो कि क्या कर रही हैं तो न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार कर रही हैं रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रही हैं बल्कि वहाँ पर रोजगार के नए अवसर जो हैं समझ में आया एम्प्लॉयमेंट के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको डेवलप कर रही हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कृषि के साथ जो एलाइड सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं था तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी इनको टारगेट करेगी जैसे मत्स्य पालन फिशरीज इसको टारगेट करो ताकि लोग क्या करें फिशरीज़ करने के लिए मोटिवेट हो सब्सिडी दो तो कोई नया व्यक्ति फिशरीज करेगा मतलब एक आदमी को क्या हुआ फिशरीज से रोजगार अब उसके अंदर वो चार आदमी रखेगा तो चार लोग को और रोजगार क्लियर है ये बात तो इस प्रकार से न सिर्फ अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है बल्कि इन योजनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में नए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका हो रहा है जनरेशन इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले बता दूँ पेपर नंबर फाइव के साथ साथ ऐसे का पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप इसको ध्यान में रखेंगे चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है एक नया कह लो कार्यक्रम जिसका नाम क्या मेरी पॉलिसी मेरे हाथ क्लियर है तो जो कृषि मंत्री है रविंद्र चौबे जी उन्होंने क्या किया है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने क्या किया है तो ऐसे किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है या अपनी फसलों का बीमा कराया है किसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको क्या किया पॉलिसी दिया और यही पॉलिसी देने का जो कार्यक्रम है वही है क्या मेरी पॉलिसी मेरे हाथ हाथ में पॉलिसी दे दो करके और इसका शुभारंभ करते हुए इन्होंने क्या किया है पैंतीस किसानों को अपने हाथ से पॉलिसी के जो पेपर से दस्तावेज है उनको दिया साथ में टारगेट किया जा रहा है कि जितने किसान हैं उन सबको सितंबर का महीने में उनकी पॉलिसी दे दी जाए किसकी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना इसके बारे में ध्यान रखना कि ये खरीफ 2016 हज़ार तो खरीफ की जो फसल थी 2016 उस समय से ये योजना जो है क्या हुई लागू हुई या इम्प्लीमेंट हुई क्लियर है अब ये योजना का उद्देश्य क्या है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है किसानों को फसल का क्या देना बीमा तो बेसिकली किसान जो है वो फसलों या क्रॉप्स के लिए काफी कुछ किस पे डिपेंडेंट है तो प्रकृति नेचर पर और जब प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है तो इस समय होता क्या है किसान को फसल जब नहीं मिलती तो बहुत नुकसान का फायदा उठा नुकसान का फ़ायदा बोलता हूँ यार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन में बेसिकली ये जो बीमा योजना है वो किसानों की हितों की क्या करती है रक्षा करने का काम करती है तो जो किसान के हित हैं उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसानों को कॉम्पनसेशन मिलता है सीधा सी बात है इंश्योरेंस कराए हो फसल ख़राब हुई क्या मिलेगा आपको इसके बदले में बीमा का पैसा चलिए अब किस किस कंडीशन में ये जो बीमा है ये मिलता है तो सबसे पहले एक तो है बुआई या सोइंग तो अगर बुआई फेल हो जाए या बुआई होने के बाद भी खराब हो जाए बुआई ना हो पाए तो भी आपको क्या मिलेगा बीमा मिलेगा माल लो बुआई हो गई फसल लग गई लेकिन कटाई से पहले कभी भी खराब हो तो भी आपको बीमा मिलेगा मान लीजिए अगर कोई स्थानीय आपदा आ जाए लोकली क्या हो जाए कोई आपदा जैसे सूखा पड़ जाए बाढ़ आ जाए तो भी मिलेगा कैलिमिटी, ठीक है ना लोकली अगर कोई कैलिमिटी ऑकर हो जाए तो भी इसके अलावा अगर कटाई हो चुकी है फसल की और फसल खेत में पड़ी हुई है उस समय भी अगर फसल खराब हो जाए समझ में आया कटाई हो चुकी है अब इतना सारा जगह थोड़ी कि पूरे फसल को घरे ले जाओगे पड़ा हुआ है खेत में ऐसा कुछ हो गया बहुत बारिश हो गया इतना बारिश हो गया खेत पूरा भर गया फसल सड़ गई तो भी आपको क्या मिलेगा बीमा मिल जाएगा तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है ठीक है समझ बोलना सर हमार हो गए से हमारे लिन्नी मिली बहुत गड़बड़ हो गए हमारे मन के साथ में करके तो ये पॉइंट को पढ़ लेना चारों इकोनॉमिक सर्वे जो है कृषि वाले चैप्टर में दिया हुआ है डन तो इन कंडीशन में किसान जो है वो फसल बीमा का क्या करा सकता है लाभ उठा सकता है अब ये जो खरीफ सीजन है दो का तो टू का इसमें लगभग कितने किसानों ने क्या किया है तो फसल बीमा का लाभ उठाया है तो 13.95 लाख इतना याद रखना तेरह लाख पंचानवे हज़ार तीन सौ उनहत्तर दिया हुआ है ठीक है आपको सीधा इतने लोगों ने फसल का बीमा कराया है ख़रीफ 2022 में 13.95 लाख याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा पेपर नंबर पाँच में छत्तीसगढ़ की इकनॉमी वाला जो सेक्शन है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी यहाँ थर्टी वर्ड्स में पूछ सकता है इकनॉमी में तो बिल्कुल मैंने देखा है छत्तीसगढ़ की इकनॉमी में थर्टी वर्ड्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए होता है पता है वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है सामान्य तौर पर योजनाओं के लिए थर्टी सिक्स में बहुत योजना आता है तो सीधा ये पूछ सकता है योजना तब बताइएगा डायरेक्ट क्लियर है ये अच्छा दूसरा आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर के फील्ड्स में जो इनोवेशन हुए हैं या कृषि में क्या नवीनीकरण चीज़ें हुई हैं नवीनीकृत चीज़ें हुई हैं करके क्या इनोवेशन हुए हैं तो भी आप इस फैक्ट को क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं कृषि के ऊपर अगर कोई ऐसे आ जाए तो भी ये फैक्ट यूज़ हो जाएगा क्लियर है प्री की बात करें तो सीधा पूछ सकता है कि कितने लोगों ने कराया है बीमा खरीफ में एक क्वेश्चन योजना की शुरुआत किसने की है दो क्वेश्चन तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी ये जो न्यूज़ है ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना छत्तीसगढ़ का ट्वेंटी नाइन्थ जिला ठीक है तो दो सितंबर का दिन था मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया वैसे तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बना चुका हूं और हमारे चैनल पर डला हुआ है बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे ही देता हूं मैं तो ये क्या है छत्तीसगढ़ का राजनाथगांव जिला अब ये जो राजनाथगांव जिला है इसी जिले को काट कर क्या किया गया दो जिले बनाए गए तो इसका जो दक्षिणी भाग है उसे काटा गया और उत्तरी भाग को मतलब सदन पोर्शन को काट दिया गया नॉर्दर्न पोर्शन को अब ये जो सदन पोर्शन है यहाँ से बना है क्या तो है थोड़ा सा पेन मोटा हो गया इसको पतला कर देता हूँ मैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तो यहाँ पर एक तहसील मोहला दूसरा मानपुर तीसरा अंबागढ़ चौकी इसके अलावा ये जो मानपुर है ना इसमें से दो तहसील और बने हैं एक क्या है तो है औंधी और दूसरा क्या है खड़गांव क्लियर है कि नहीं तो ये बनाया गया कहाँ? तो ये सब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट जो कि है राजनाथगांव डिस्ट्रिक्ट के साउथ में अब आपको पता होगा राजनाथगांव छत्तीसगढ़ का क्या था सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था अब राजनाथगांव तो कट गया तो अब कौन सा सबसे बड़ा है तो याद रखना अब ना कोरबा डिस्ट्रिक्ट है ना ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्लियर है।, है ये सबस हो गया सबसे चलो खुश हो जाओ तुम लोग भी ठीक है नहीं मजा ही सुनी तुम्हला अच्छा क्रम की बात करें तो ये ट्वेंटी नाइन्थ नंबर का डिस्ट्रिक्ट बाकी डिटेल जो है उसको मैंने वीडियो में बताया है तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना अगर नहीं देखे हो तो कहाँगी कहाँ कहा बाबू हाँ तो ये हो गया आपका चलो तो ये क्या हुआ मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ट्वेंटी नाइन्थ बन गया ये ठीक है ज़िला का नक्शा बनाया गया इस ज़िले में अभी एसपी साहब कौन है श्री एस जयवर्धन है सॉरी कलेक्टर साहब श्री एस जयवर्धन है एसपी कौन है तो वाई अक्षय कुमार जी तो आई पी एस वाई अक्षय कुमार एस हैं और आई श्री एस जयवर्धन क्या हैं तो जिले के कलेक्टर ठीक है अब नेक्स्ट सारंगढ़ बिलईगढ़ तो तीन सितंबर को याद रखना दो सितंबर को मोहला मानपुर और तीन तारीख को सारंगढ़ बिलईगढ़ और क्या है तो खैरागढ़ छुई खदान इनका हुआ है इनग्रेशन तो यह भी देख लेते हैं तो समझते जाना और इसको थोड़ा सा ना गुलाबी चेन से कर दिया जाए तो अब ये जो खैरागढ़ यहां पर क्या था छुई खदान और यहां क्या था गंडई छुई खदान से एक नया जिला बनाया सॉरी एक नया तहसील बनाया गया छुई खदान से जिसका नाम क्या था साल्हे तो ये जो चार्ट वो तहसील है ना इन तहसीलों को मिलाकर क्या किया गया है तो बनाया गया है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला क्रम की बात करें इकतीसवा नंबर है क्या नंबर है यस चलो अब इसके बाद ध्यान रखना ये जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें यहाँ पर क्या क्या तहसील था तो यहाँ सारंगढ़ था यहाँ क्या था बरमकेला केला केला से सरिया एक नया तहसील बनाया गया और बाजार डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर एक तहसील बिलईगढ़ और एक तहसील और बनाया गया यहाँ पे भटगाव तो इनको मिलाकर क्या डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है सारंगढ़ और बिलयढ़ ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। अभी जो सारंग डिस्ट्रिक्ट है ना आपको ध्यान रखना है ये छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट है थर्टी एथ नंबर का तो अभी तक क्या देखे हैं उनतीस तारीख को मोहला मानपुर सॉरी उनतीसवा नंबर मोहला मानपुर और दो सितंबर को इनाग्रेट किए फिर तीसवा नंबर सारंगढ़ बिलईगढ़ इसको तीन सितंबर को किए हैं और इकतीसवा नंबर खैरागढ़ छुई खदान इसे भी तीन सितंबर को क्या किए हैं इनागरेट किए हैं क्लियर है ये ठीक तो ये देख लो छत्तीसगढ़ के ये तीन फिर मैंने क्या बताया राजनाथ गांव सबसे बड़ा था पहले अब गांव क्या हुआ है टूट गया है तो अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है तो आपका कोरबा जिला है ना ये छत्तीसगढ़ का क्या है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अभी क्लियर तो सीधा ये जो ये देखो मैं आपको बता रहा था दो तारीख को मोहला मानपुर और तीन तारीख को सारगढ़ बिलईगढ़ खैरागढ़ छुईखदान और क्या है गंडई डिस्ट्रिक्ट तो वही तहसीलों के नाम लिखे हैं जो अभी मैं आपको मैंने मैप पर बता दिया वैसे इन तीनों का डिटेल्ड एक्ट हो वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वीडियो कहाँ पर है तो यूट्यूब में है ही आप प्ले में चले जाना कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में प्लेलिस्ट देखोगे तो करंट अफेयर्स का एक प्ले दिख जाएगा उसके नीचे के वीडियोज़ देखना सेकेंड या थर्ड नंबर का ही वीडियो इस ज़िले के तीन जिलों के ऊपर है दो जिलों का वीडियो बाकी है उसको भी मैं बता बना दूंगा ठीक है अब फिर वही खैरागढ़ छुई खदान तो मैं बता ही चुका हूँ यार थर्टी फर्स्ट नंबर का है करके और तीन तारीख को शुभारंभ सबका शुभारंभ इनोग्रेशन कौन किया है तो भूपेश बघेल जी यहाँ पर चार तहसील बता दिया हूँ आप लोग को खैरागढ़ गंडई छुई खदान और सालेवारा मैप पर प्लॉट करके भी बता दिया चलिए अब क्या करते हैं तो अब देखते हैं अपन एक नई योजना जो है स्टार्ट हो रही है जिसका नाम क्या है बालवाड़ी योजना तो शिक्षक दिवस था कितने तारीख को पाँच सितंबर हर साल रहता है तो पाँच सितंबर दो के दिन जो कि शिक्षक दिवस था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया है तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना ठीक है, है पाँच से छः साल तक के इनको खेल खेल में सिखाने समझाने और डेवलप करने के लिए बालवाड़ी योजना जो है इसका क्या किया शुभारंभ किया क्लियर है इसका थीम क्या है तो इसका थीम है जाबो जाल जालवाड़ी बोल रहा हूँ ना जाबो बालवाड़ी बढ़ा शिक्षा के गाड़ी होगा क्या बच्चे लोग बालवाड़ी जाएंगे और उन्हें शिक्षा को खेल खेल में सीखने का तरीका जो है वहाँ पर सिखाया जाएगा ताकि जब ये लोग बाद में स्कूल पहुँचें तो ये लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर रहें या तैयार रहें क्लियर है तो अचानक से स्कूल चल देंगे जैसे पहले आप लोग अचानक से देखते हो डेमो में आ जाते हो पढ़ने के लिए तक बका जाते हो क्या पढ़ाई चल रहा है सी का तो पहले से दो तीन दिन डेमो देखते हो तब फिर बाद में अच्छे समझ में आता है तो वैसे ही बच्चे लोग को सीधे स्कूल भेजोगे लगभग आ जाएगा का पढ़ावत की कर तो बालवाड़ी भेजो जहां खेल खेले में पहले उन लोगों को थोड़ा बहुत ए बी सी डी वन टू थ्री फोर सिखा देंगे तो स्कूल में जाएंगे तो उन लोग को थोड़ा सा ईजी लगेगा करके क्लियर है ये ठीक बात है तो स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके मंत्री कौन है पता होना चाहिए आपको डॉक्टर प्रेम प्रेमसाय सिंह टेकाम ये हमारे क्या है स्कूली शिक्षा मंत्री हैं ठीक तो इसने पाँच से छः वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं फाइव टू सिक्स ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए इस योजना की क्या की है शुरुआत की है तो बालवाड़ी बनाए जाएंगे अब बालवाड़ी जो है उसमें आंगनबाड़ी की एक जन सहायिका तो होगी इसके अलावा एक जन क्या होंगे तो प्राइमरी जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ से ये बालवाड़ी जो है वो क्या रहेगा संबद्ध रहेगा एफ्लाइड रहेगा कह लो तो वहाँ का एक सहायक शिक्षक भी उस बालवाड़ी में रहेगा और ये जो सहायक शिक्षक है इसको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे बच्चे लोग को खेल खेल में सिखाना है और इसके लिए अतिरिक्त फाइव हंड्रेड रुपीज़ का इसे मानदेय मानदेय मतलब कहना चाहिए एक तरीके से रेन्यूमरेशन जो है वो दिया जाएगा ठीक है अब इस साल फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री इक्यावन तिहत्तर इतनी बालवाड़ियाँ जो है वो प्रारंभ की गई हैं स्टार्ट की गई हैं क्लियर है ठीक और आने वाले वर्षों में धीरे धीरे राज्य में क्या की जाएंगी और भी बालवाड़ियाँ खोली जाएंगी ये तो बड़ा ईजी हो गया अब इसको थोड़ा सा पी लेवल पर देखो तो बेसिकली होगा क्या ये दो शब्द याद रखना एम एस तो एम से है मानसिक मनोवैज्ञानिक एस से है सामाजिक और संज्ञानात्मक तो ये जो योजना है ना ये बच्चों का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास करेगी मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट साथ में सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक मतलब सोशल डेवलपमेंट भी और दिमाग से भी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो इस योजना से बच्चों का ये डेवलपमेंट होगा या कहूँ ये योजना इन सब डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से एक टूल साबित होगी ताकि बच्चों या बच्चे जब कहाँ पहुँचे स्कूल में समझ में आया तब पढ़ाई इनको क्या लगे आसान तो ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो है इनका मानसिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास करके बेसिकली या एक तरीके से और बता सकते हैं इसको कि ये जो योजना है ना ये बच्चे और स्कूल के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो बच्चों का क्या करेगी मानसिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास ये भागुक थेगा समझ में आया तो ये जो योजना है ये जो स्कीम है बालवाड़ी ये एक ऐसा ब्रिज है कड़ी है बच्चों और स्कूलों के बीच में जो कि बच्चों का मानसिक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक और, और सामाजिक विकास करने वाली है ऐसे शब्दों में लिखोगे तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा लिखोगे तो ऐसा ईजी टाइप का लग ही नहीं रहा इसको पढ़ने में एकदम ईजी लग रहा है कि ये तो कुछ नहीं लगेगा मतलब खेल खेल में सिखाना है प्राइमरी स्कूल के पहली मतलब वो किड्स एकेडमी ये सब नहीं आता कृष्णा किड्स एकेडमी ये वो तो वैसे ही लग रहा है लेकिन अब इसको एकदम अच्छा अच्छा शब्दों में लिखोगे तो ऐसा लगेगा अरे रे कोई बहुत बड़ा योजना होगा मानसिक मनोवैज्ञानिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है करके तो बस वही बात है शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे वर्ड्स यूज करना बहुत ज्यादा क्या है नेसेसरी अब पर्टिकुलरली पेपर नंबर फाइव का जो सेक्शन या भाग एक है ठीक तो शिक्षा के तौर पे थर्टी वर्ड्स में सीधा ये योजना को पूछ लिया जाएगा बालवाड़ी योजना क्या है तो इसको आप रेडी रखिएगा क्लियर है ये दूसरा अगर शिक्षा या विकास से संबंधित कोई ऐसे आता है तो ये फैक्ट सीधा सीधा आ जाएगा तीसरा पूछ सकता है भाई इस योजना कौन चला रहा है प्री में उसके अलावा पूछ सकता है विभाग के कौन मंत्री हैं क्लियर है उसके बाद ये भी पूछ सकता है शुभारंभ किन के द्वारा तो भूपेश बघेल जी के द्वारा क्लियर है कि नहीं तो इन सभी चीजों को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है प्री के लिए तो प्री और मेंस दोनों जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया चलिए अगला क्या है तो शिक्षक दिवस जो था वही पाँच सितंबर तो भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ फैसले लिए हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा प्री टाइप का ज़्यादा है तो जैसे स्कूल में छत्तीसगढ़ी बोली के लिए एक दिन समर्पित रहेगा तो पूछ सक दे सकता है कि एक दिन किसके लिए समर्पित किया गया है तो छत्तीसगढ़ी बोली आंसर ले लेना अगला क्या है जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर जो संस्कृत विषय है उसकी भी पढ़ाई होगी संस्कृत सब्जेक्ट की भी क्या होने वाली है पढ़ाई होने वाली है क्लियर है ये ठीक है वही स्वात्मा स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर अनिवार्य रूप से कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी तो ये सब प्री में डायरेक्टली पूछ सकता है अनिवार्य रूप से किसकी शिक्षा दी जाएगी तो कंप्यूटर लगा देना कौन से विषय को ऐड किया गया है तो संस्कृत लगा के आ जाना क्लियर है और सप्ताह में एक दिन स्कूल में किसके लिए डेडिकेट किया गया है तो छत्तीसगढ़ी बोली इसको लगा के आ जाना चलिए अब आगे देखते हैं प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का होगा आयोजन तो बेसिकली क्या है लोकल लेवल पर हमारे यहाँ पर खेल में जो प्रतिभाएं हैं स्पोर्ट्स में जो हम लोग के यहाँ पर टैलेंट है उसी को सामने के लिए लाने के लिए क्या किया जा रहा है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन या इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्या क्या खेल होगा तो कबड्डी खो खो गेड़ी पिट्ठुल इसके अलावा वॉलीबॉल वाल, हॉकी टेनिस क्रिकेट ये सब चीज़ें होंगी क्लियर है बच्चों से लेके बुजुर्ग तक तो चिल्ड्रन से लेके एल्डर्स तक या सीधा कहले बुजुर्ग मतलब बहुत ज्यादा हो गया क्लियर तो इन सभी को क्या किया जाएगा सभी लोग जो हैं वो क्या हो सकेंगे इसमें प्रतिभागी हो सकेंगे नेक्स्ट मैं आप को बता देता हूं कि ये जो खेल हैं ये कितने स्तर पर <coughs> कितने लेवल्स पर होंगे चार अच्छा एक और बात था ये दो ग्रुप में होंगे मेल और फीमेल खेल मेल्स के लिए अलग पुरुषों के लिए अलग फीमेल्स महिलाओं के लिए अलग ठीक चलिए <coughs> चार स्तर पर होगा एक ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत जिला पंचायत या जिला पंचायत बोल रहा हूँ मैं अभी ना एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर एक ब्लॉक पंचायत स्तर पर इसके अलावा सीधा जिला स्तर पर और दूसरा क्या है स्टेट लेवल राज्य स्तर पर तो ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर और राज्य स्तर चार स्तर पर इन प्रतियोगिताओं को क्या किया जाएगा ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्लियर है ये ठीक है अब होगा क्या ये जो खेल होंगे इसके लिए टेक्निकल हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए मतलब ऐसे गांव थोड़े खिला दोगे आप लोग प्रॉपर होगा ना नियम कायदा कानून जगह तो टेक्निकल हेल्प कौन देगा तो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण तो छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करने वाली है ठीक टेक्निकल हेल्प और इसके जो प्रशिक्षक हैं मतलब कहना चाहिए जो कोच लोग हैं इसके अलावा राज्य का और हर ज़िले का जो खेल संघ है स्पोर्ट्स यूनियन है वो और उसके प्रतिनिधि साथ में शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जितने शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक हैं समझ में आया कि नहीं आया पीटीआई है ये लोग क्या करेंगे सहयोग करेंगे हेल्प करेंगे टेक्निकली इन खेलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 थाउजेंड इसमें बेसिकली हो गया क्या ऐसे जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं क्लियर है जो कि उभर के आते हैं उनको जो कोच हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्या करेंगे तैयार करेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स उसके लिए क्या करेंगे तैयार करेंगे रेडी करेंगे डन चलो तो इतना ही ये न्यूज़ है अब आगे बढ़ जाते हैं पहले देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो प्री और मेंस किस हिसाब से क्या है इम्पॉर्टेंट तो पहले प्री की बात करता हूँ फिर मैं मेंस की बात करता हूँ तो पहले अगर प्री की बात करें तो निम्न निम में से किस खेल का आयोजन किया जा रहा है तो याद रखना छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कौन कौन से खेल्स या खेल्स बोलो देखो मैं अबिना कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट इंक्लूडेड है ये कितने स्तर पर होगा तो चार ठीक है उसके बाद मेंस की अगर मैं बात करूं अच्छा एक चीज़ और प्री में पूछ सकता है कि तकनीकी सहायता तो तकनीकी सहायता कौन कौन दे रहा है तो इसको ध्यान में रख लेना मेंस की अगर बात करें तो अगर कोई ऐसे आए जो कि खेल से संबंधित है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं साथ में थर्टी वर्ड्स में सीधा सीधा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है इसको आपको पेपर नंबर फाइव में क्या कर सकता है पूछ सकता है चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद जो है इसका क्या हो रहा है गठन तो छत्तीसगढ़ अदर बैकवर्ड क्लास का एक ठो कंसल्टेटिव काउंसिल कह लो इसका एक ठो गठन किया जा रहा है इससे पहले शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऑलरेडी किया जा चुका है क्लियर है तो बेसिकली जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओ बी सीज हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके हितों की रक्षा के लिए संरक्षण के लिए कंजर्वेशन के लिए इसे किया जा रहा है फॉर्म क्लियर है ठीक बात अब होगा क्या ओ के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जितने भी कार्यक्रम हैं जिनका कार्यक्रम का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से क्या होगा मॉनिटरिंग किया जा सकेगा इनकी जितनी समस्याएं हैं क्लियर हैं उनको तेजी से क्या किया जा सकेगा निदान किया जा सकेगा इनका जो लाइफ स्टाइल है या जीवन का जो स्तर है उसमें धीरे धीरे या बहुत जल्दी यार धीरे धीरे क्यों तेज़ी से धीरे धीरे क्यों करना है हम लोग को तो तेज़ी से करना है ना तो तेज़ी से क्या होगा पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से क्या आ जाएगा बदलाव आ जाएगा तो पॉजिटिव चेंज आएगा क्लियर है कि नहीं ठीक है अब ये जो परिषद है ये वर्ग मतलब ओबीसीज की जो समस्या है इनकी जो आवश्यकता है या जो डिमांड्स हैं उस पर क्या करेगी विचार करेगी क्लियर है कि नहीं और ओ के कल्याण संबंधी मतलब उनके मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से बेटरमेंट से रिलेटेड क्या करेगी निर्णय ले सकेगी अब ये जो परिषद या काउंसिल है ना इसमें कितने सदस्य होने वाले हैं तो फोर्टी क्लियर है इसके प्रमुख कौन होंगे तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होने वाले हैं इनके नेक्स्ट अब ध्यान रखना कि इसमें सदस्य कौन कौन होंगे मेंबर्स तो ध्यान रखना हमारे राज्य के जो विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के जो निर्वाचित कम से कम दस सदस्य तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जितने भी लोग आए मतलब एम जो लोग ओ हैं उनमें से कम से कम दस और बाकी जो हैं वो राज्य शासन द्वारा क्या होंगे मनोनीत मनोनीत होना मतलब क्या है नॉमिनेट होना मनोनीत होना या नॉमिनेट होना समझ में आया क्लियर है ये बात तो बेसिकली क्या है ये होने वाला है हुआ नहीं है बट हो जाएगा ठीक एक बात और बता देता हूँ आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्री में सीधा पूछेगा निम्न में से किसका गठन किया जा रहा है नाम दे देगा इसके अध्यक्ष कौन है तो ये ध्यान रखना सदस्य की संख्या कितनी होगी ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना ये जो परिषद है इसका क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है तो ये दोनों पॉइंट मिला के ऑब्जेक्टिव बन जाता है क्लियर है कि नहीं ठीक तो इसे आप थर्टी वर्ड्स में सिक्सटी वर्ड्स में रेडी कर लेना साथ में ओ के ऊपर कोई ऐसे आ जाए तो उनके विकास से संबंधित इसको आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं तो ये हो गया प्री और मेन्स में इसका इम्पोर्टेंस चलिए अब आगे देख लेते हैं कि फिर से एक नया डिस्ट्रिक्ट मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ठीक है अब इसमें छह तहसील हैं भरतपुर है केल्हारी है मनेन्द्रगढ़ है, है चिरमिरी है खड़गवा है और क्या है कोटाडोल अब सबसे ज़्यादा जो रायता फैला है ना उसी डिस्ट्रिक्ट के मैप के चलते फैला है मैंने इतने जगह पर देखा मैप में कई जगह मैंने ना गलतियाँ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रॉपरली क्या करूँ आप लोग को सही तरीके से बता दूँ सबसे पहले तो ये बना किससे है तो ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट से बना है और ये क्या है तो हमारे राज्य का स्टेट का बत्तीसवा ज़िला है क्लियर है अब ये देखो आप ये एम सी बी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का मैप है किसका है तो देख लो भैया चिप्स का है मतलब अंकल चिप्स सरकार जी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी उसका है ये अब देखो ज़रा इस सेक्शन को अगर हाईलाइट करके इससे बड़ा जूम हो नहीं रहा है थ्री से ज़्यादा तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है नीचे यहाँ पे सीधा किसको टच कर रही है कोरबा मैक्सिमम जो मैप बन रहा है ना वो कैसे बन रहा है तो मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ बना के ही दिखा देता हूँ तो बेसिकली जो मैप बन रहा है काफ़ी जगहों पर मैंने देखा वो इस प्रकार से ये हमारा क्या है सरगुजा संभाग है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्या सरगुजा ये कोरिया कटा ये सूरजपुर ऊपर बलरामपुर नीचे सरगुजा और ये जशपुर तो बहुत जगह पर ये इस प्रकार से काटा जा रहा है और इस पर बोला जा रहा है कि ये कोरिया है और ये जो है ये नया एम जिला अब इसमें क्या हो रहा है कि कोरिया नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर कोरबा है और ये क्या है आपका तो जी पी एम गोरेला पेंड्रा मरवाही तो कोरिया जो है वो कोरबा को टच नहीं कर रहा मैक्सिमम मैंने मैप्स पे देखा लेकिन आप खुद यहां पर चिप्स पे देखो तो चिप्स का जो मैप है उसमें आप ये पाएंगे कि बारीकी से देखने पर ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है ये कोरबा को टच कर रहा है अब दोनों के बीच में स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ स्टोरी ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि सबसे नीचे का जो तहसील है खड़गवा क्लियर है सबसे नीचे का तहसील जो खडगवा हैं वो कहाँ चला गया है एम डिस्ट्रिक्ट में मनेंद्रगढ़ में मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया है मनेन्द्रगढ़ में ऐसा सब सोच रहे हैं बट एक बात आपको बता देता हूँ ये जो खडगवा डिस्ट्रिक्ट या खडगवा तहसील है ना इसका पुनर्गठन किया जा चुका है तो अब खड़गवा और थोड़ा चिरमिरी मिला के ये जो हिस्सा है ना ये वाला जिसको मैं कह दूँ अलग कलर से ये वाला हिस्सा ये एक नया तहसील बन चुका है जिसका नाम है पोड़ी तो ये आपका क्या है अब एमसीबी सी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और इतने को पूरा आप लेना क्या तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट क्यों क्योंकि यहाँ जो नीचे दो तहसील था ना एक तो चिरमिरी था और एक क्या था यहाँ पे खड़गवा तो असल में ना पुनर्गठन हुआ है ये देखिए किसका किसका पुनर्गठन हुआ है तो खड़गवा और चिरमिरी का देखिए यहां लिखा हुआ है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कोरिया और तहसील क्या है पोड़ी बचरा मैंने बताया ना पोड़ी बचरा ये तहसील है और आप देखो ये जो तहसील है ना इसका बॉर्डर को आप देखो तो दक्षिण में साउथ में ये किसको टच हो रहा है कोरबा समझ में आया तो ध्यान ये रखना आप कि असल में मैप कैसा है तो असल में मैप कहाँ बना रहा था मैं यहां बना रहा था ना दूसरा बना के यहां पे दिखा देता हूँ और ऊपर में चलो हरे कलर से असल में मैप ऐसा है ये देखो इसका काम ना अरे तो ये क्या था पूरा कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा जशपुर अब नया डिस्ट्रिक्ट एम बना है मनेगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये यहाँ ये है एम और ये अब वाला खड़गवा तहसील है और ये अब वाला चिरमिरी तो खड़गवा और चिरमिरी का हिस्सा पोड़ी बसरा के रूप में नया तहसील बन चुका है जो ये है इधर पर सोनहट तहसील है यहाँ पर क्या है बैकुंठपुर तहसील है यहाँ पर पटना तहसील है और इधर पर है पोड़ी बचरा और ये जो डिस्ट्रिक्ट है अब क्या है आपका कोरिया तो मैं आपको सुधार लेना अगर आप लोग बनाए होंगे तो समझ में आया कि नहीं आया तो ये थर्टी सेकेंड बत्तीसवां नंबर का ज़िला था मैंने आपको बता दिया तहसीलों के साथ इसके बाद शक्ति ये किससे बना है तो जांजगीर चांपा से शक्ति जो है छत्तीसगढ़ का थर्टी थर्ड तैतीसवां ज़िला है क्लियर है कि नहीं ठीक है यहाँ पर छह तहसील है अडभार है जय जयपुर है माल खरौदा है डबरा है शक्ति है बारा द्वार है तो मुझे नहीं लगता अभी तक आप लोग तहसील नहीं जान पाए होंगे मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे उसमें तहसील वहसील प्रॉपर् सब देख चुके होंगे तो संख्या या क्रम याद रखना क्रम को एक बार मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर ये आगे बत्तीस तैतीस का ये जो जांजगीर चांपा दो हिस्सों में बटा क्लियर है यह है आपका शक्ति ये है जांजगीर चांपा शक्ति का नंबर थर्टी थ्री और वैसे ही ये ऐसा हो गया आप एम सी बी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये है आपका थर्टी सेकेंड बत्तीसवा नंबर का ज़िला क्लियर है इन दोनों जिलों का वीडियो मैंने डिटेल नहीं बनाया है मैं बना के बहुत जल्द जो है वो यूट्यूब पर क्या करने वाला हूँ डालने वाला हूँ चलिए अब नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में क्या किया गया बारह जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में क्या किया गया एस में शामिल किया गया स्टोरी ऐसा है कि बेसिकली ये लोग अनुसूचित जनजाति एस टी छ क्या है कि जहाँ पर लिस्ट है एस का उसमें कुछ मात्रात्मक त्रुटि थी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स थी इसके चक्कर में अब ये लोग जो हैं ये लोग अलग स्पेलिंग लिख रहे हैं वहाँ अलग लिखा है तो इन लोग का ना जाति प्रमाण पत्र बन पाता है तो जब जाति प्रमाण पत्र या क्या नहीं बनता इन लोग का कास्ट सर्टिफिकेट कह लो एक प्रकार का तो जब सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट का जाति प्रमाण पत्र का तो इनको अनुसूचित जनजाति होने का मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है और जब प्रूफ नहीं है तो इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जनजातियों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं स्कीम्स हैं ये सब के सब स्कीम्स जो हैं इसका फ़ायदा ये लोग नहीं उठा पाते तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर ये क्या किए थे मुख्यमंत्री जी के पास जाकर मिले मुख्यमंत्री जी समझे प्रॉब्लम को और उन्होंने क्या किया प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में एक लेटर लिखा कि ऐसी स्थिति है मात्रात्मक त्रुटि है जिसके चलते जो सही एस हैं उन तक जो योजनाएं हैं उनका क्या नहीं पहुंच पा रहा है बेसिक जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पा रहा है क्लियर है तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग हैं उनके अध्यक्ष तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है अध्यक्ष कौन है तो भानु प्रताप सिंह उन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने बाईस जाति समुदाय कास्ट को क्या किया था प्रपोज किया था अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जिसमें से बारह को किया गया है तो बाईस को प्रपोज किए थे बारह को किया गया है क्लियर है ये अब बारह कौन कौन है तो समझते जाना तो बेसिकली अच्छे से समझना पहले लिखा हुआ था भारिया भूमिया इसके पर्याय या सिरणम के रूप में अब लिखाएगा क्या साथ में भूया भूया तो भूया भूया और भूया ये भी लिखाएगा तो पहले तो भारिया भूमिया लिखा था अब कोई व्यक्ति भूया है भले उसी एस वही जनजाति का है वो लेकिन अब भारिया भूयाँ नहीं लिख रहा है भूयाँ लिख रहा है तो उसको नहीं मिलता था क्या नहीं मिलता था बेनिफिट क्योंकि तुम नहीं नहीं तुम भारिया भूयाँ नहीं होना तो तुमको एस नहीं मानेंगे ये अलग है तुम अलग हो अब वो लो लोग बता रहे हमन ए चरण साहब बस ये नाम अलग है थोड़ा सी स्पेलिंग अलग लिखा था करके तो नहीं हो रहा था अब स्पेलिंग को चेंज कर दी है तो यह तो लिखाया रहेगा साथ में यह भी लिखा जाएगा तब देखेंगे अच्छा मिल तो आगे ऐसा वैसे ही अब भारिया जो है इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा सिर्फ हिंदी में किया जाएगा तो भरिया के रूप में भारिया का सुधार है। किसका सुधार भारिया का सुधार किस रूप में कर देंगे भरिया इंग्लिश में कोई चेंज नहीं फिर पंडो जो है उसके साथ ऐसा पंडो या पांडो लिखा है ना पांडो उसके साथ पंडो या ऐसा पंडो या ऐसा पंडो कैसा भी तीनों पंडो लिखो वो पांडो के साथ वो लोग हैं क्लियर धनवार के पर्याय या सिनोनिम के रूप में धनुहार और धनुवार क्लियर है तो धनवार लिखा है ठीक है ना ओरिजिनली मेंशन था कि ये एस टी है अब जो लोग धनुहार लिख रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे तो अब जुड़ गए हैं धनुहार लोग भी किस में जुड़ गए हैं तो धनवारे में जुड़ गए हैं कि धनवार जिसका सिनोनिम या पर्याय धनुहार भी है और धनु धनुवार भी है करके तो ये जुड़ गया है तो अब जो धनुहार है धनुवार है उसको भी क्या होगा एस टी होने का लाभ मिलेगा फिर गदवा जुड़ गए गोंड के साथ हिंदी में गोंड इसे भी जोड़ा गया है फिर है जो है उसके स्थान पर किसे रखा गया कोंद क्लियर है तो बेसिकली मैक्सिमम मिस्टेक्स थे उसी करेक्ट किया गया है को डाकू के जगह कोडाकू ठीक है तो को डाकू की जगह नहीं के साथ कु और नगेसिया जो है नगासिया के पर्याय के रूप में पहले उसमें नगासिया लिखा हुआ था उसके जगह उसका एक सिनोनिम या पर्याय उसके जगह क्या उसका सिनोनिम या पर्याय नगेशिया फिर किसान और धनगढ़ को चेंज करके परिशोधन मतलब करेक्ट करके धांगड़ को शामिल किया गया है क्लियर है ये ठीक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है तो बेसिकली कितने को प्रस्तावित किया गया था कितने शामिल हुए अध्यक्ष कौन है तो जनजातीय आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है प्री के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं अब आज के लास्ट इस स्लाइड पर आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो प्रत्येक विकास खंड है हर ब्लॉक में कितना एक सौ ब्लॉक है हर ब्लॉक में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे कितने दो अब ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है इनका उद्देश्य क्या है तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं रूरल एरियाज वहाँ पर लाइवलीहुड और रोजगार एम्प्लॉयमेंट को क्या करना बढ़ावा देना क्लियर है अच्छा अब बेसिकली है क्या जो ग्रामीण एरिया है ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो चयनित गौठान है तो ऐसे गौठान हैं जो कि चयनित है सिलेक्टेड है ठीक है उनको क्या करना है तो लाइवलीहुड या आजीविका के, के केंद्र के रूप में क्या करना है विकसित करना है डेवलप करना है तो जो गौठान है उसको आजीविका के केंद्र के रूप में लाइवलीहुड के सेंटर के रूप में क्या करना है डेवलप करना है क्लियर है इसीलिए वहाँ पर ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसको बनाया जाएगा क्लियर है अब बेसिकली क्या है राज्य में हर विकास खंड में कितने बनेंगे दो बनेंगे क्लियर और बेसिकली क्या किया जा रहा है इसमें जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें जो निजी उद्यमी हैं प्राइवेट ऑन्टरप्रिनर्स हैं उनको उद्यम या अपना उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उनको मोटिवेट uh, किया जाएगा कि आप लोग क्या करिए अपना उद्योग जो है उसको यहाँ पर लगाइए तो गांधी जयंती है कब दो अक्टूबर के दिन क्लियर तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का क्या किया जाएगा शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा डन चलिए तो ये टॉपिक हो जाता है यहीं पर फिनिश प्री और मेन्स के क्वेश्चन देख लेते हैं तो औद्योगिकरण से संबंधित अगर कोई ऐसे आ जाए तो अगर कोई अर्थव्यवस्था संबंधित सम्द, कोई ऐसे आ जाए या कहना चाहिए सीधा सीधा पेपर नंबर पाँच में थर्टी वर्ड्स में पूछ सकता है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसका क्या उद्देश्य है तो ऐसे में तो काम आएगा ही आएगा पेपर पाँच में थर्टी वर्ड्स में सीधा पूछ लेगा प्री में क्या पूछेगा कब से दो अक्टूबर फिर एक खंड में कितना तो ध्यान रखना दो तो ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं की बेरोजगारी दर, देख कमेंट करके जरूर नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है तो लिखा हुआ है बताना जरूर बाद अगला क्या है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना किस आयु के बच्चे लोग के लिए शुरू की गई है और फाइनली लास्ट क्वेश्चन क्या है तो 9 सितंबर 2022 को कितने नए जिले जो है उनका लोकार्पण किया गया इनाग्रेशन किया गया चलिए तो ये क्वेश्चन थे मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ क्या करें तो इसे एक बार देखें और क्वेश्चन को ज़रूर क्या करें तो एक बार सॉल्व करके जो भी ए बी सी डी जो कोड है या कहना चाहिए जो ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें चलिए तो आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर